सीबीएसई बोर्ड कैंडिडेट्स 2022 बोथ क्लास 10 एंड क्लास 12। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जाम के इस मौसम में सबसे ज्यादा आपके लिए क्या जरूरी है वो है एग्जाम का डेट शीट, थ्योरी एग्जाम का, और साथ ही साथ उसमें कितने गैप मिल रहे हैं। एग्जाम के दौरान आपको तो गैप तो जरूर चाहिए, और वो कितने गैप होने चाहिए ऑफिशियली आपके लिए अपडेट आ चुकी है, और कब आपको मिल रहा है आपका डेट शीट वो भी बताऊंगा कम्प्लीटली इसी वीडियो में। मेरे प्यारे दोस्तों, सीबीएसई ने सबसे पहले कहा कि वो लोग 2 तारीख से अपना प्रैक्टिकल एग्जाम लेंगे। हम सबने आपको अपडेट दिया एंड यस, ये रियलिटी थी, एंड आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम भी ऑनगोइंग चल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों कि अब आप लोग अपना डेट शीट देखेंगे किस तरीके से, कहां से देखेंगे, मैं आप सबको बताऊंगा एंड एकदम ऑफिशियली कंफर्मेशन दूंगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि जैसा कि आईसीएसई पैरेलल बोर्ड है सीबीएसई का, है ना, और हर एक चीज के लिए आईसीएसई एंड अदर बोर्ड्स डिपेंडेंट रहती हैं सीबीएसई पर इस साल का जो सिचुएशन और सिनेरियो कंप्लीटली उल्टा हो चुका है। हर एक चीजों को सीबीएसई खुद फॉलो कर रही है, सीबीएसई इस बार ऑपोजिट चल रही है हर एक चीज पर। अभी तक रिजल्ट नहीं दिया लेकिन आईसीएसई ने दे दिया, एंड ऑफिशियली मेरे प्यारे दोस्तों आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मैं गैप के बारे में बताऊंगा, आईसीएसई का क्लास 10 12 का डेट शीट आ चुका है एंड सीबीएसई का इंतजार अब खत्म होने वाला है। अब इसके ऊपर मैं आप सबको कुछ डिटेल्स दे दूं। आज है फ्राइडे, यानी कि वर्किंग डे है, बट मेरे प्यारे दोस्तों कल सैटरडे एंड संडे हो जाएगा, एंड सीबीएसई के कहे जाए द्वारा मेरे प्यारे दोस्तों हम सबने आपको अपडेट दिया है कि फर्स्ट वीक नहीं होगा आपका डेट शीट, बिकॉज इस समय आपका प्रैक्टिकल ऑनगोइंग है। सेकेंड वीक में, यानी कि मंडे टू फ्राइडे, अपकमिंग मंडे के फ्राइडे तक आपके पास आपका डेट शीट होगा थ्योरी एग्जाम का, एंड उस समय तक 70% ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्स खत्म हो जाएंगी सीबीएसई का। अब गैप की बात कर लेते हैं, कितना गैप आईसीएसई ने तो क्यों दे दिया डेट शीट, और उनके 25 तारीख से एग्जाम्स हैं और बहुत ही जल्द एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन, क्योंकि सेशन में डिले नहीं करना है, अगर ज्यादा डिले होगा आपको ज्यादा गैप भी नहीं मिलेगा, ज्यादा डिले करने से एग्जाम आप 11 एडमिशन लेने में तकलीफ होगा, एंड साथ ही साथ आपको तकलीफ होगा कॉलेजेस में एडमिशन लेने से, तो ऐसा सीबीएसई कभी नहीं कर सकती आपके साथ कुछ भी गलत। ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है जेई का एग्जाम शुरू होने वाला है, एंड सीबीएसई में लाखों स्टूडेंट अपियर होते हैं जेई के एग्जाम में, जो कि 25 मई से, तो उसके ठीक 5 से 10 दिनों पहले एक तो प्रॉब्लम हो गया बच्चों के लिए, 5 दिनों पहले किसी भी हाल में सीबीएसई को अपना एग्जाम कंप्लीट फिनिश कराना होगा, क्योंकि ये सीबीएसई का एग्जाम खत्म करके बच्चे दौड़ेंगे अपना जेई का एग्जाम सेकंड अटेम्प्ट के लिए, है ना। तो बहुत कंडक्ट तो सीबीएसई के अथॉरिटीज ही करवाते हैं, एंड अदर्स, तो यहाँ पे बड़ा एक प्रॉब्लम आ सकता है। अब आपका डेट शीट मंडे टू फ्राइडे के बीच में, हम सबको अपडेट है कि मंडे टू फ्राइडे के बीच में, मे बी आज फ्राइडे है बट मुझे नहीं है, मुझे जितना कंफर्मेशन है कि आज नहीं आ सकता, बट मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि आईसीएसई पैरेलल बोर्ड है सीबीएसई का, एंड बहुत ही स्पीड और तेजी से काम कर रही है आईसीएसई बोर्ड, जो कि हर एक चीज को एकदम टाइमली एंड हर एक चीज को आराम से फिनिश कर रही है। तो अब आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि सीबीएसई कैंडिडेट्स आपका भी थ्योरी बट गैप नहीं मिलेगा, आई एम सॉरी टू से। अब आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं आईसीएसई बोर्ड पैरेलल बोर्ड होते हुए भी सिर्फ 1 या 2 दिन का गैप दिया है, एंड सीबीएसई का रूल रहा है मैक्सिमम गैप वो देते हैं ज्यादातर, बट इस साल भी सेशन डिले ना हो जाए आपको गैप थोड़ा कम मिलेगा, 2 से 3 दिन का गैप होगा। अच्छा, ये 2 महीने बाद एग्जाम हो रहा है, अच्छे से प्रिपरेशन कर लो, जितनी जल्दी एग्जाम खत्म होगा उतना ज्यादा आप रिलैक्स फील करोगे। एक अर्जेंट अपडेट आप लोगों के लिए, जो कि पैरेलल बोर्ड होते हुए आईसीएसई ने अपना काम जल्दी किया है, तो सीबीएसई भी पीछे नहीं हटेगी मेरे प्यारे दोस्तों। उनके जो अपडेट्स दिया था उन लोगों ने कि 2 तारीख मार्च को प्रैक्टिकल एग्जाम का डेट शीट दे देंगे, एंड उसके ठीक एक हफ्ते बाद मतलब ये तो कंप्लीट हो जाएगा एक हफ्ता, एंड आपका आ रहा है अगले हफ्ते में किसी भी बीच आपका डेट शीट, हम तुरंत आपको लिंक दे देंगे, बट स्टिल यहां का लिंक एक्टिव हो चुका है आईसीएसई कैंडिडेट्स का, एंड उनके आप गैप्स वगैरह भी देख सकते हैं, 3 तारीख को उनका आ चुका है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप दिल थाम के बैठ जाइए, हर एक चीज हमारे सामने आने वाली है। तो मिलते हैं अगली अपडेट में, हर एक अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहे, मैं तो सब कुछ कवर कर ही रहा हूं। थैंक यू सो मच।